नमस्कार, जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया बुलेटिन। रैली निकालने को लेकर वे सरकार के किसी भी नियम का कोई पालन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड मनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसान? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर? ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे। जी न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश। जनपद शामली कांदला क्षेत्र के एलम निवासी सतबीर पवार रालोद प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में रालोद कार्यकर्ता वह मजदूर किसान एक ट्रक खाद्य सामग्री गुड़ चावल चीनी सब्जी और पानी की बोतलें मसाले आदि लेकर किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली के लिए रवाना हुए। सतबीर पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री झुकने को तैयार नहीं है तो किसान भी नहीं झुकेगा। रविंदर पवार का कहना है कि जब तक सरकार काला कानून वापस नहीं लेती तब तक किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। विजेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार किसानों पर राजनीति न करे, 10 साल भी लगेंगे तब भी किसान नहीं हटेंगे। इस अवसर पर विजेंद्र प्रधान, किवाना पप्पू पवार, राजेंद्र नीरज पवार, मोजेंद्र यशपाल, धीरज कपिल, परमेंद्र आदि किसान मजदूर मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया राजस्थान। सिरोही विधायक का 56वां जन्मदिन खुशी के साथ मनाया गया। कस्बे के मंडार के हुसैनी चौक में सिरोही विधायक सेम लोड़ा का 56वां जन्मदिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। विधायक के जन्मदिन के साथ साथ शादी की सालगिरह भी है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए जन्मदिन मनाने के साथ साथ इनकी दीर्घायु की कामना भी की गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को विधायक के जन्मदिन पर बधाइयां दी। सिरोही विधायक का जन्मदिन मनाने के दौरान सोरडा सरपंच लेहराम भट्ट, मफतलाल बुनकर, रमेश जोशी, ललित श्रीमाली, महबूब खान, शकुर खान पामोरा, कृष्ण पंचाल, हितेश जैन, जोईताराम जीनागर, मिठालाल सोनी, जयंतीलाल सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तराखंड। जनपद चमोली के विकासखंड घाट पे नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग की डेडलाइन चौड़ी करवाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों को हुए 12 दिन बीते 48 दिनों से जारी है आंदोलन। 9 मीटर चौड़ी सड़क की मांग कर रहे हैं क्षेत्र के लोग। घाट बाजार में भारी संख्या में तैनात हुई पुलिस। बालघाट बाजार में एक बार फिर पुलिस ने निकाला सशस्त्र फ्लैग मार्च। जी न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश। शाहपुर कस्बे के मोहल्ला मंगलापुरी मंडी स्थित शिव मंदिर का 18वां वार्षिकोत्सव विशाल भंडारे बैजक के साथ संपन्न हुआ। कस्बे में पाश कॉलोनी मंगलापुरी मंडी में स्थित शिव मंदिर का वार्षिकोत्सव प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव मूर्ति संचालक मंडल द्वारा प्रातः यज्ञ, उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारे में हजारों लोग भगवान भोले शंकर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज मंदिर परिसर के पास स्थित भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 17 वर्षों से लगातार यह भंडारा चलता रहा है। इस मंदिर की विशेषता है कि यदि कोई भी परेशान व्यक्ति 41 दिन तक यहां पर देसी घी का दीपक
निर्वाध रूप से जलाता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मंदिर में फाल्गुन मास की शिवरात्रि तथा श्रावण मास की शिवरात्रि पर विशेष आयोजन होते हैं। भंडारे में शिवमूर्ति संचालक मंडल से जुड़े राजेश सिंगल, पूर्व चेयरमैन सुनील सिंगल, सुनील गोयल, मुकेश गोयल, सोनू नामदेव, अतुल सिंगल, देवराज चौधरी, रविंद्र सिंगल, अंशुल सिंगल, जतिन सिंगल, सौरभ सिंगल, मनी सिंगल, डॉक्टर अनुज अग्रवाल आदि का विशेष योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया राजस्थान। उपखंड मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र में ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम मंदिर ट्रस्ट एवं ब्राह्मण समाज लालचोट द्वारा संचालित आदर्श विवाह योजना के अंतर्गत षष्ठम जोड़े के आदर्श विवाह हेतु बुधवार को ब्राह्मण समाज के लोगों ने गणेश जी को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने परशुराम मंदिर से खोरापाड़ा स्थित श्री सिद्धि विनायक विनायक गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना कर 16 फरवरी 2021 बसंत पंचमी को आयोजित आदर्श विवाह के लिए निमंत्रण दिया तथा भगवान श्री परशुराम जी व वेद माता गायत्री की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर ट्रस्ट के कैलाश चंद्र जोशी, संवासा रमेश चंद्र पंडा डिडवाना, राधा मोहन मिश्रा, संजय उपाध्याय, जगदीश हाड़ा, राजेंद्र डोब, धनराज जोशी, गिरधारी सेडुलाई, बालमुकुंद शर्मा, राकेश सेडुलाई, नगर पालिका पार्षद एल एन भारद्वाज, लोकेश संवासा, गोविंद बगड़ी, मुकेश डोब, अजय हट्टिका, मुकेश निराला, ओम प्रकाश गौतम, मोहन उपाध्याय, सुदीप मिश्रा, लक्ष्मी नारायण पुरोहित, मनोज डोब, संतोष निराला, पंडित राजेंद्र श्यामपुरा, पंडित सत्यनारायण पीपलदा, अंकित बिहारी, अभिनव जैमिनी, सुरेश चौबे, निर्जना, राजस्थान ब्राह्मण सभा के प्रदेश महासचिव सियाराम शर्मा सहित कई समाज के बंधु उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, जी न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश। जानी ब्लॉक के गांव गेजा में भाजपा सिवाल खास मंडल अध्यक्ष विनोद जिंदल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत धन संग्रह अभियान चलाया। सभी ग्रामीणों ने अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भव्य मंदिर के लिए दान दिया। विनोद गेजा ने बताया कि श्री राम मंदिर सभी देशवासियों की सहभागिता से बनेगा। इस दौरान प्रदीप चौधरी, रवि चौहान, अरुण, योगेश शर्मा, दीपांशु जिंदल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। जी न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमा शंकर पटेल लगभग 12 बजे गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा के पिता को श्रद्धांजलि देने थाना भवन चौधान पट्टी पर पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ विद्युत विभाग जिला शामली के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। यहां उन्होंने गन्ना मंत्री के पिता स्वर्गीय रणवीर सिंह राणा के चित्र पर गुलाब पुष्प अर्पित किए। विदित हो कि उनका यह कार्यक्रम पहले से ही तय था। लखनऊ से थाना भवन स्थित गन्ना मंत्री सुरेश राणा के आवास पर पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री रामशंकर पटेल ने सुरेश राणा और उनके परिवार के लोगों से बात की और शोकाकुल परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके दुख को साझा किया। विदित हो कि 9 जनवरी को कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के पिता ठाकुर रणवीर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी।